भगवान श्री कृष्ण बड़े ही नटखट और चंचल थे। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही एक लीला के बारे में। कान्हा को माखन बहुत ही पसंद था। वो रहा माखन, चलो दोस्तों। अरे वाह, यमुना काकी तो घर में ही नहीं है। चलो दोस्तों, यही मौका है, उनकी मटकी तोड़कर हम सभी माखन खाएंगे। चलो 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 चलो, हाँ चल। तभी अचानक यमुना काकी वहाँ आ गई। रुको, अभी बताती हूँ। सारे ग्वाल बाल वहाँ से भाग गए, परंतु कान्हा को यमुना काकी ने पकड़ लिया और उनको लेकर यशोदा मैया के घर आई। यशोदा, देख तेरा लल्ला मेरी मटकी तोड़ दी और सारा माखन खा गया। यशोदा मैया को यह बात तनिक भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कान्हा को रस्सी से बांध दिया और वहां से चली गई। इतने में कान्हा ने दो श्रापित पेड़ों को मुक्त करने के लिए ओखल सहित पेड़ों के बीच में आ गए और दोनों पेड़ों को गिरा दिया और दोनों पेड़ श्राप से मुक्त हो गए। तभी गोपियां आईं और यशोदा से बोली, अरे यशोदा, लल्ला को कितनी देर तक बांध के रखोगी? हाँ हाँ, कितनी देर तक बांध के रखोगी? अरे भाई, कितनी देर तक बांध के रखोगी? अरे खोलो खोलो यशोदा, अपने लल्ला को खोलो। हाँ हाँ, खोलो, जल्दी खोलो। लल्ला, तुझे चोट तो नहीं आई पुत्र? नहीं मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। यह बोलकर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, यह थी श्री कृष्ण की नटखट और चंचल कथा। श्री कृष्ण गोविंद।